आप लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल पे। हम लोग इससे पहले की क्लास में पाइप टैंक का टोटल 8 क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से अब तक क्लियर होगा, क्योंकि आप इससे पहले पाइप टैंक की से पहले जो आप टाइम एंड वर्क भी अच्छे से आप देख चुके हैं और उसी पर आधारित हम लोग का टाइम एंड वर्क मेसर समानुपात और ये तीनों करीब करीब हम लोग का एक दूसरे से रिलेटेड है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, दो नल ए तथा बी ये खाली टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है, और तीसरा है सी 25 घंटे में ये इसको खाली कर देता है। आरंभ में तीनों को खोल दिया गया और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया है। हम लोगों से पूछा गया इस क्वेश्चन में टोटल समय कितना लगेगा इसको भरने में। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का, पहला जो है 15 घंटा में भरता है, दूसरा 20 घंटा में और तीसरा 25 घंटा में खाली कर देता है। तीनों को खोला गया ए बी सी को, 10 घंटे के बाद बंद कर दिया है, सी को बच गया ए और बी। तो ए और बी का जो शेष समय इसको हम लोग मान लेते हैं टी, ए और बी जो बाद में हम लोग का काम किया उसको हम लोग मान लेते हैं टी समय। आइए देखिए इससे पहले हम लोग क्लास में क्या देखे थे टोटल वर्क के लिए। टोटल वर्क अगर हम लोग निकालना है 30 दिनों का एलसीएम यह आएगा कितना 300। उसके बाद इफिशियंसी क्षमता 15 में हम लोग क्या गुना करें ताकि 300 हो जाए, तो एक का क्षमता आपको मिल जाएगा 20 और 20 में क्या गुना करें 300 करने के लिए, तो ये आपको मिल जाएगा 15 बी, और सी 25 में क्या गुना करें तो सी का मान आपको मिल जाएगा कितना 12। पहला दोनों क्या कर भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो जो खाली करेगा उसका क्षमता हम लोग माइनस साइन यूज करते थे। आइए टोटल वर्क हम लोग का 300 और जो निकालना है इसमें हम लोग रखते हैं, तो जैसे हम लोग ये प्लस बी प्लस और सी का मान अगर निगेटिव है ये 12 हम लोग यहाँ से रख के देखेंगे तो 20 और 15 35 ये चूँकि हम लोग का खाली करता है तो माइनस हो जाएगा 12, तो 35 में जैसे 12 की जगह तो ये आपका 23 गुना 10 230 प्लस ए प्लस बी हम लोग का 35 टी, ये जैसे 230 इस तरफ जाएगा 70 और 35 टी अगर हम लोग का 70 है तो टी का मान आ जाएगा कितना 2। अब इस क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कुल समय, पहले से 10 घंटा था टी निकल का है 2, तो टोटल टाइम जो लगेगा इसमें हम लोग का 12 घंटा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, काफी इजी था ये क्वेश्चन भी आपका। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का है, तीन नल ए बी सी इकट्ठा खोल देने पे एक खाली टंकी 6 घंटे में भर जाता है, और तीनों नल को खोल दिया गया और 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया है, इसके बाद ए और बी जो रह जाता है ये 7 घंटा में इसको भर देता है। हम लोगों से पूछा गया कि सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए काफ़ी ईजी क्वेश्चन ये भी हम लोगों का, ए बी सी तीनों मिल के काम कंप्लीट करता है 6 घंटा में, लेकिन तीनों को खोला गया है 2 घंटा के लिए, 2 घंटा के बाद बंद कर देता है किसको सी को, तो बचे हुए समय में हम लोग का ए और बी रहेगा कितने समय के लिए इसको मान लेते हैं हम लोग, नहीं समय हम लोग का दिया हुआ है, समय का हम लोग मानना नहीं, समय दिया हुआ कितना 7 घंटा, हम लोगों को निकालना है सी का, सी का समय मान लेते हैं कितना टी। आइए देखिएगा यहाँ से हम लोग इसको जैसे इस तरफ लेकर आएंगे तो 6 ए बी सी में 2 ए बी सी 2 ए बी सी जैसे घटेगा तो ये हम लोग का 4 रह जाएगा, और ये इसी तरफ हम लोग रखते हैं इसको ए प्लस बी हम लोग का कितना रहा है 7 आ रहा है। हम लोग क्या किए हैं इसको और इसको लेके सॉल्व कर रहे हैं, इसको इस तरफ लेके आ गए तो 6 ए बी सी में 2 ए बी सी घट गया तो 4 ए बी सी बचा, इसको इसी तरफ रहने दिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग का ए प्लस बी प्लस सी बटे में जैसे लिखेंगे इसको नीचे ला के तो इसको हम अनुपात में ले देते हैं एक ही बार में, इधर रह गया कितना 7, 7 बटे 4 आप इसको लिखेगा 7:4। अब देखिए यहाँ से ए बी सी हम लोग को 7 है, ए बी कितना है 4 है, तो जैसे ए प्लस बी प्लस सी में ए बी को घटाएंगे हम लोग का सी निकल का जाएगा, तो 7 में 4 घटाइए ये निकल का गया कितना 3। अब जो निकालना है इसमें रख दीजिए सी का मान ये 3t, और दूसरी तरफ हम लोग क्या करते थे या तो ये किसी में भी आप रख सकते हैं। तो ये देखिएगा 6 और ए बी सी हम लोग का कितना है 7 है, 6 × 7 हम लोग का 42, आइए कटाते हैं इसको तो टी का भी हम लोग का निकल गया कितना 14 आवर। काफ़ी जी है ये भी क्वेश्चन आपका।
ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी। तीनों नल 6 घंटा में क्या करता है, भर देता है, तीनों को खोला गया, 2 घंटे तक चलता है। उसके बाद बचे हुए समय में 7 घंटे में हम लोग का रास्ता है कौन, ए और बी। हम लोग को पूछा गया इस क्वेश्चन में सी का, सी अकेला इसको भरने में कितना समय लेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, दो नल ए तथा बी एक खाली टैंकी को क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है। आधे समय के लिए बी को खोल देता है और शेष आधे समय में ए और बी दोनों काम कर रहा है। तो हम लोगों से पूछा गया है इस क्वेश्चन में टंकी को भरने में कुल समय कितना लगेगा। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। पहला जो है आपका 60 मिनट में ए और बी 40 मिनट में भरता है। अब देखिए इस तरफ हम लोग क्या करते हैं, टोटल टाइम को मान लेते हैं 2t। टी भी मान के चल सकते थे हम लोग, टी मानते थे हम लोग का थोड़ा सा क्या होता है कि आधा समय क्या टी बटे 2 हम लोग को यूज करना पड़ता, तो हम मान लिए टोटल टाइम 2t, तो आधा समय हम लोग का टी हो जाएगा और शेष इधर आधा ये भी टी हो जाएगा। तो आधे समय में बी है, शेष आधे समय में ए और बी दोनों है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिएगा बी का टोटल समय हम लोग का कितना है, बी का टोटल टाइम कितना है, तो शुरू से अंतिम तक बी आपको दिख रहा है और ए सिर्फ टी समय तक है और बी आपका 2t टाइम तक है। तो ए और बी दोनों मिलके किया है इस काम को, तो यहाँ पर हम लोग को बीच में क्या लेना पड़ा, प्लस। अब यहाँ से देखिएगा ए और बी का आपका जो अनुपात आएगा इस दोनों से 20 × 40 और 20 × 60 2:3 ये क्षमता आ गया ए और बी का। अब जो निकालना है इसमें ए और बी जैसे रखिएगा, ए का मान कितना है 2 और इसको 3 रखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा इस तरफ 8t। इस तरफ इसको लीजिए, इसको लीजिए, किसी को भी लीजिए, अगर ये लेके चलते हम लोगों का ये आ जाएगा 120 कट जाएगा। टी का वैल्यू आपका आ गया कितना 15। हम लोगों को कुल समय निकालना है, कुल समय हम लोग क्या लेके चले थे क्वेश्चन में 2t, आपका जो आंसर होगा 30 मिनट। टोटल समय जो लगेगा इसको भरने में कितना, 30 मिनट का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी। आधे समय के लिए बी है और शेष आधे समय के लिए ए और बी दोनों है। टोटल टाइम हम लोग 2t लेके चले हैं, तो बी शुरू से अंतिम तक है 2t और ए का समय सिर्फ आधे समय, तो ए का समय हम लोग क्या यूज किए हैं, टी। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12। दो नल ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर सकता है, जबकि तीसरा जो है सी इसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले खाली टंकी में ए और बी खुला रहता है, 5 मिनट तक जब चला ए और बी, उसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है। अब इसके बाद हम लोग का ए बी सी तीनों काम कर रहा है 5 मिनट के बाद। हम लोगों से पूछा गया कि खाली टंकी, इस टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। हम लोग का पहला जो है ए 12 मिनट में, बी 15 मिनट में और सी 6 मिनट में खाली करता है। देखिएगा ये क्वेश्चन हम लोग का अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए इससे थोड़ा सा अलग हट के है। आइए सबसे पहले इसको समझते हैं, हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं। तो 12, 15 और हम लोग का 6 का एलसीएम आएगा 60। 12 में हम लोग क्या गुना करें, एक आपको क्षमता निकल जाएगा 5। 15 में हम लोग 4 गुना करें 60 करने के लिए, तो बी का क्षमता निकल गया 4 और 6 में हम लोग को गुना करना होगा 10। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग का अब तक जितना भी क्वेश्चन किए इससे क्यों अलग है, कैसे अलग है। अब तक हम लोग क्वेश्चन में क्या देखते थे कि टंकी को पूरी तरह से भरना है या पूरी तरह से खाली करना है, लेकिन इस बार हम लोग के क्वेश्चन में क्या है कि पहले ए और बी पूरी तरह से खाली है, ए और बी 5 मिनट तक काम किया और जितना काम हुआ उसका तीनों लग जाता है, फिर उसको खाली करना है। ए 1 मिनट में काम करता है 5 और बी करता है 4, तो दोनों अगर मिल जाएगा तो 1 मिनट में दोनों के द्वारा, ए और बी के द्वारा जो काम होगा वो 1 मिनट में कितना होगा, 5×4 9 होगा। टोटल वर्क कितना होगा 1 मिनट में 9,
और दोनों हम लोग का देखिए तो स्टार्टिंग में कितना काम किया है, 4 मिनट काम किया है, 5 मिनट किया है। 5 मिनट अगर काम किया तो हम लोग का ये टोटल दोनों मिल करके इस टंकी का कितना हिस्सा भर चुका होगा 5 मिनट में, 45। अब इस 45 को तीनों मिल के ए बी सी जब तीनों मिल जाएगा, पहला 5 कर रहा है, दूसरा 4 कर रहा है और तीसरा 10 खाली कर रहा है, माइनस साइन हम लोग यूज करेंगे, है ना। तीनों अगर मिल जाएगा तो 1 मिनट में इन तीनों के द्वारा क्या होगा, ये माइनस वन का मतलब खाली होगा। तीनों के द्वारा 1 मिनट में कितना खाली होगा, 1 यूनिट। टोटल वर्क है कितना, 45 है। तो तीनों को मिल करके जो 45 काम हुआ 5 मिनट में, तो 5 मिनट के बाद हम लोग अगर इसको खाली करना शुरू करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हर मिनट में कितना खाली हो रहा है, 1, और टोटल है कितना, 45। कितना समय लगेगा, तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 45 मिनट। थोड़ा सा ये हम लोगों का अलग क्वेश्चन था, अब तक जितना भी क्वेश्चन किए, पहले ए और बी 5 मिनट काम किया और जो काम हो गया हम लोग का 1 मिनट में दोनों मिलके 9 करेगा और 5 मिनट में हम लोग का करेगा कितना, 45। अब जब 45 हम लोग का टोटल काम हो जाता है तो उसके बाद 5 मिनट के बाद सी को भी खोला गया है। अब हम लोग का यहाँ से जब तीनों मिलके देख रहे हैं काम अगर कर रहा है तो हम लोग का क्या हो रहा है, -1, मतलब तीनों अगर काम करेगा तो खाली ही होगा, कितना यूनिट, 1 यूनिट। और 5 मिनट में टोटल काम हुआ था कितना, 45। तो खाली अगर होना तो यही काम हम लोग को पुनः वापस नीचे आना पड़ेगा। एक हम लोगों का काम हो रहा है, काम करना है कितना, 45। टोटल काम करने हम लोगों को अगर 1 मिनट में तीनों मिल करके एक खाली कर रहा है तो 45 खाली करने में टोटल समय कितना लग जाएगा, 45 मिनट। तो काफ़ी आसान था ये भी क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग हट के ज़रूर था ये। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, दो नल ए तथा बी मिल करके खाली टंकी को 6 मिनट में भर देता है। आगे दिया हुआ है कि बी को जो है समय ए से 5 मिनट ज़्यादा लगता है और हम लोगों को इस क्वेश्चन निकालना है कि बी खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। चलिए देखते हैं, ए का समय हम लोग मान लेते हैं टी और बी को 5 मिनट ज़्यादा अगर लगा है तो इसको T+5 लेना होगा और दोनों मिल करके ए और बी ये 6 मिनट में भर देता है। आइए देखिएगा यहाँ से हम लोग ए बटे बी लिख सकते हैं, T+5/T, ये नीचे चला जाएगा। अब हम लोगों को एक ये ले लेना चाहिए, इसका हम लोग को दिया हुआ 6 मिनट और इसमें से कोई भी ले लीजिए। ए का वैल्यू हम लोग का जो यहाँ पर क्षमता दिख रहा है ए का, T+5 × T और एक ये ले लीजिए। तो यहाँ पे जब ए और बी का क्षमता रखिएगा तो ये और ये जुट करके आपका हो जाएगा 2T+5 और इंटू हम लोग का है ये 6, इसका जब इससे गुना कीजिएगा तो T²+5T और इस तरफ हम लोग का देगा ये 12T+30। इस तरफ लेकर आइए T²-70-30=0। देखिए क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है ना हम लोग सीखे हैं इससे पहले, और जो लोग नहीं देखे हैं तो आपको देखिएगा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, छोटा सा एक वीडियो है शॉर्ट में हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो पहले हम बता चुके हैं। आइए देखिएगा यहाँ पे हम लोग देखते क्या है, अगर शॉर्ट में करना है तो दो ऐसा मान ढूंढिए जिसको जोड़ें तो -7 हो और गुना करें तो -30 हो। तो ये दो मान हम लोगों को -10 और +3 होगा। अब इसके बाद क्या करना है कि आपका इस दोनों का साइन को चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये हम लोग का टी का मान निकल गया, टी का मान निकल कितना आ गया, एक 10 आया वैल्यू और दूसरा कितना है, -3। अब चूंकि हम लोग का ये क्या है, टाइम है, तो टाइम हम लोग का माइनस में नहीं होगा, तो ये जो टी जो निकल का है वो हम लोग का क्या होगा, 10 होगा। और टी माने थे किसको, हम लोग ए का समय माने थे, तो ये आ गया 10 और यहाँ पर जब 10 रखिएगा 10 × 5 = 15। तो बी का जो हम लोग को समय निकल कर आ रहा है इस क्वेश्चन में कितना, 15 मिनट, ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आप जो सबसे पहला क्लास हम लोग का हुआ था टाइम एंड वर्क में, वहाँ पे जो हम लोग सबसे पहला रूल देखे थे, बेसिक रूल,
अगर उससे करते और ऑप्शन का अगर हम लोग हेल्प लेते तो ये परसेंटेज से बनाना काफ़ी आसान होता। चलिए देखते हैं, इससे भी करके देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाते हैं बेसिक रूल से, तो बेसिक रूल और प्रतिशत का हम लोग को जरूरत पड़ेगा परसेंटेज मेथड से। देखिए कैसे बनाते हैं और मदद लेना होगा आपको ऑप्शन, काफ़ी इजीली बन जाता है, आपको पेन तक टच नहीं करना पड़ेगा और दोनों मिल करके मान लेते हैं ये जेड है। ये हम लोग देख चुके हैं टाइम एंड वर्क में, इसको देखे थे, जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा टाइम एंड वर्क का पहला क्लास का, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। दोनों मिल करके हम लोग का समय ले रहा है 6, ए का समय से बी का समय ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 5 मिनट, ये बात ध्यान रखेगा। हम लोग का पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 15 मिनट, तीसरा ऑप्शन हम लोग का है 20 मिनट है और चौथा है 11। और ये हम लोग का जो समय इस क्वेश्चन में पूछा गया है बी का, तो बी का अगर हम लोग का समय पूछा गया तो जब भी ऑप्शन में बी का वैल्यू पुट करेंगे इससे ये अगर 5 मिनट ज़्यादा है तो अगर इसको 10 लेंगे तो हम लोग को इसको 5 कम रखना होगा, ये 5 मिनट होगा, अगर इसको 20 रखेंगे तो ये 15 होगा, ये ध्यान रखिएगा। 1/6 हम लोगों का परसेंटेज में होता है 16.2/3%। अगर आप लोगों में किन्हीं को ये पहले से नहीं पता हो तो प्रतिशत क्लास आपको देखना होगा या फिर 100 को 6 से भाग देती तो आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को याद कर लेना है 1/6 होता है 16.2/3%। अब अगर हम लोग यहाँ पे 10 रखते हैं पहला ऑप्शन से, अगर चेक करें कि अगर बी का मान अगर 10 होगा तो 1/10 हम लोग का कितना देगा 10%, इससे 5 कम, तो 10 अगर हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं तो ये 5 होगा और 1/5 मतलब 20%, क्या दोनों आपस में इक्वल होगा, इसको इसको जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, जबकि है कितना 1/6 16.2/3%, ये नहीं चलेगा। अगर 15 लेके चलें इसका मान, अगर 15 लेके चलेंगे तो ये 5 कम 10 होगा, तो 1/10 का मतलब 10% और 1/15 का मतलब होता है 6.2/3%। यहाँ से देखिए ये और ये जोड़ करके हम लोगों का 16.2/3% और इस तरफ भी हम लोग का कितना है 16.2/3%, तो हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन बी कितना 15 मिनट, ठीक है। तो आप इसको ऑप्शन से काफ़ी इजीली बना सकते हैं और यही क्वेश्चन हम लोग देखें अगर करते हैं इसको या तो एलसीएम मेथड से या फिर रेशियो मेथड से, तो वहाँ पर हम लोग को क्या करना है, क्या करना पड़ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ रहा है, तो इस क्वेश्चन को प्रतिशत से बनाना आपको ज़्यादा आसान हुआ, ज़्यादा आसानी से हम लोग का ये बन गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं इससे पहले, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इसको कर लेते हैं। एक नल एक खाली टंकी को 8 घंटा में भरता है, परंतु एक छेद है और नल भी है, तो दोनों मिल करके अगर काम करता है तो 2 घंटा ज़्यादा लगता है, 8 घंटा से 2 घंटा ज़्यादा मतलब 10 घंटा लगेगा। हम लोग को निकालना है इसमें कि छेद उसको कितना समय में खाली करेगा। आइए चलिए देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखे थे पहले क्लास में। ए 8 घंटा में और ए और बी दोनों जब लग जाता है तो 2 घंटा ज़्यादा समय लगता है, 10 घंटा। अब यहाँ से देखिएगा a/a+b ये कट का हम लोग का 5:4, अगर हम लोग को b निकालना है तो a प्लस बी 4 में 5 घटाना होगा, अगर माइनस मारा है तो इसका क्या मतलब हम लोग का है, क्यों आया, क्योंकि हम लोग का b जो है क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो टोटल वर्क देखिएगा कितना होगा, इसमें से ये या ये कोई भी ले लीजिए, तो ए का जो मान हम लोग का है 5 आया, 5 × 8 टोटल वर्क हम लोग का 40, पूरी तरह से टंकी जो भरा हुआ है वो कितना है 40 है। अब ये खाली कर रहा है कितना पर यूनिट टाइम में, एक काम ये कर रहा है -1 का मतलब खाली कर रहा है, और क्षमता हम लोग का, क्षमता हम लोग का क्या है वो तक क्या देखें, पर यूनिट टाइम में, चाहे प्रति घंटा हो या प्रति मिनट हो, तो ये हम लोग का काम कर रहा है 1 और टोटल काम है कितना हम लोग का 40 है, तो समय जो लगेगा बी को खाली करने में पूरी तरह से 40/1, आप यहाँ पर माइनस नहीं कीजिएगा, टाइम हम लोग का जब भी आएगा पॉजिटिव में आएगा, हम लोग का जो टाइम आएगा बी को कितना समय लग जाएगा इसको खाली करने में 40 घंटा, काफ़ी इजी था।
चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक पाइप एक खाली टंकी को 3 घंटा में भर सकता है, 2 निकासी पाइप है जो क्रमशः 6 और 10 घंटा में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा टंकी को भरने में, हम लोग को ये निकालना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पहला 3 घंटा में, दूसरा 6 घंटा में खाली करता है, तीसरा 10 घंटा में खाली करता है। तीनों को अगर एक साथ ABC को खोल दिया तो कितना समय लगेगा, ये T मान लेते हैं। LCM हम लोग का 3, 6, 10 का आ जाएगा 30। ये आपका टोटल वर्क, टोटल वर्क हम लोग का निकल का आएगा कितना 30। 3 में क्या गुना करें 30 हो जाए, 1 अच्छा आपको 10 मिल जाएगा। 6 में गुना करना होगा 30 करने के लिए 5 और 10 में 3 से, तो जो हम लोग का खाली कर रहा है उसका एफिशिएंसी माइनस और जो भर रहा है प्लस रख देते हैं जो निकालना है, और टोटल वर्क आपका है कितना है 30। तो यहाँ से जैसे T सॉल्व कीजिएगा तो 2T हम लोग का 30, T निकल का आ जाएगा 15 मिनट, ऑप्शन नंबर हम लोगों का D। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का है 3 नल ABC एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर देते हैं। इस बार हम लोग को गति दिया हुआ, गति का मतलब आपको इफिशियंसी है, क्षमता है। आइए चलिए देखिएगा, सी का गति बी से 2 गुना है और बी का गति ए से 2 गुना है, हम लोगों को निकालना है। तो नल ए जो है खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, कितना लेता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हम लोगों को ए बी और सी इस तीनों का मिला के दिया हुआ है, कितना समय है 5 घंटा है, निकालना है किसका ए का, ए को कितना समय लगेगा। अब देखिए क्षमता, क्षमता हम लोगों को इस क्वेश्चन में भाषा में दिया हुआ है, इसको हम लोग चलिए निकाल लेते हैं। ए बी और सी, सी का गति बी से 2 गुना है और बी का गति डिपेंड है किस पे, ए पे। तो हम लोग ए को मान लेते हैं 1, अगर ए का गति 1 है तो बी का गति ए से 2 गुना, इसका 2 गुना 2। अब हम लोग का फिर देखिएगा, सी का गति जो है वो बी से 2 गुना है, तो सी का गति अगर इसका 2 गुना है तो ये 2 दूनी हम लोग का 4 हो जाएगा, और गति का मतलब क्षमता, ये ध्यान रखिएगा, जिसका गति ज़्यादा है उसका क्षमता ज़्यादा है, तो गति का जो अनुपात होगा वही अनुपात हम लोग का क्षमता का होगा। तो हम लोगों का गति का जो अनुपात होगा वही अनुपात क्षमता का होगा, तो गति और क्षमता दोनों आपस में समानुपाती होता है, अगर गति ज़्यादा है तो क्षमता ज़्यादा है, गति कम है तो क्षमता कम है। आइए देखिएगा, हम लोग को जो निकालना है और जो दिया है रख देते हैं मान यहाँ से 4, 2, 6, 1, 7 गुना 5 35, और यहाँ पर हम लोग का 1 × T 30 क्वेश्चन का जो आंसर होगा हम लोगों का 35 घंटा, टी का मान हम लोग आ रहा है कितना 35 घंटा, ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा है सी, इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा। आइए चलिए देखिएगा, कुछ इसी टाइप का हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों का क्या है, इसी तरह का क्वेश्चन है। एक पाइप की गति दूसरी पाइप की गति से 3 गुनी है, दोनों मिलकर के 36 घंटे में भर देता है एक टंकी को, धीमी गति वाला पाइप इसको भरने में कितना समय लेगा। काफ़ी आसान है, दोनों मिलकर के ए और बी
36। अब आइए यहाँ पर हम लोग ए और बी किसको लेते हैं, इस पर हम लोग का डिपेंड करेगा। एक पाइप का गति दूसरे से 3 गुना है, अगर ये एक है तो इसका गति 3, अगर हम लोग का एक का गति 1 है तो दूसरा का 3 गुना है। दोनों मिल करके 36 मिनट में हम लोगों को निकालना है इसमें किसका, धीमी गति वाला। धीमी गति किसका है, ए का। समय मान लेते हैं हम लोग टी, काफ़ी आसान है यहाँ से हम लोग को करना। और जो गति का हम लोग का अनुपात, वही अनुपात होगा किसका, क्षमता का होगा। तो यहाँ से 3×4 रखिएगा और इस तरफ हम लोग को ए का जो है वो है कितना, 1 × t। तो t यहाँ से निकल कर आ जाएगा 144 मिनट में है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी हम लोग का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसी टाइप का ही ये क्वेश्चन। दो नल ए और बी मिलकर के 4 घंटा में एक टंकी को भर सकता है, बी अकेला ए से 6 घंटा अधिक समय लेता है। तो हम लोगों को इसमें पूछा गया कि ए का समय कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, दोनों मिलके 4 ले रहा है, इसको टी मान लेते हैं। तो इससे ये हम लोगों का कितना समय ज़्यादा है, 6 घंटा ज़्यादा है ए से बी का समय। और इस बार हम लोग को निकालना है ए, तो ऑप्शन में जहाँ भी रखेंगे हम लोग ए रखेंगे, क्योंकि जो भी ऑप्शन हम लोग का है आंसर वो क्या है, ए का होगा। ए का ही मान पूछा गया आपसे। हम लोग का देखिए यहाँ पे ये 1/4 मतलब होता है 25%। अगर हम लोग यहाँ 1 रख देंगे टी का मान, एक जगह पर अगर 1 रखेंगे तो 1/1 100% बहुत ज़्यादा हो जाएगा 25 से, ये नहीं चलेगा। अगर 2 भी रख के देखें, 1/2 आपका यही सिर्फ हम लोग का 50%, इसमें कुछ और जोड़ेंगे तो 25% से ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ये भी कैंसिल। अगर 6 रखते हैं हम लोग ए का मान, 1/6 हम लोग का होता है 16.2%। और 6 अगर हम लोग इस जगह रखेंगे तो 6+6 ये 12, और 1/12 हम लोग का देता है 8.1%। अगर दोनों को जोड़ेंगे 16, 8, 24, और 2/3 और 1/3 को जब जोड़ेगा तो ये आपका 1 दे देगा। तो 16, 8, 24 और ये दोनों मिलकर के 1/25 हो जाएगा। तो हम लोग का LHS RHS इक्वल, तो हम लोग का ए का जो मान होगा वो कितना होगा, 6 आवर। और ये ही हम लोगों से पूछा गया है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 6 घंटा। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बनाने का एक ट्रिक है, और वो ट्रिक कैसे आता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर आपके पास इस तरह से रहे कि ए और बी दोनों मिल के, अगर मान लीजिए समय लेता है एक्स, अकेला अगर कोई भी करेगा तो ज़्यादा समय लेगा, तो ये ए समय ज़्यादा लेता है और ये बी समय ज़्यादा लेता है अकेला। दोनों मिलकर अगर एक्स टाइम में करता है ना, और ए अगर अकेला करता है तो इसको दोनों मिल के जितना समय लेता है उससे ए ज़्यादा लगता है, और बी को कितना लगता है अकेला, दोनों मिल के जितना उससे बी ज़्यादा है। तो इसका एक रिजल्ट होता है कि एक्स बराबर आपको ध्यान रखना है कि √ab। ये कैसे होता है, तो ये बेसिक रूल से ही हम लोग का आता है, 1/a + 1/b बराबर 1/z। जेड क्या था हम लोग का, दोनों मिल के। आई रख के देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको जब रखिएगा x+a, ये आपका x+b है, और इस तरफ हम लोग का दोनों मिल के जो है कितना है, जेड है। तो यहाँ से जैसे LCM लीजिएगा तो इस दोनों का गुणनफल, ऊपर क्या होगा, इससे जब भाग दीजिएगा तो ये बचेगा, और इससे जब भाग दीजिएगा इसको, इससे जब भाग दीजिएगा तो ये बचेगा, और इससे जब भाग दीजिएगा तो ये बचेगा। तो ऊपर दोनों जुड़ जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ देते हैं, इसको इसको या इसको इसको, ये 2x + a + b। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको देखेगा 2x² + xa + xb, और इस दोनों को जब गुना कीजिएगा तो ये देखेगा आपको x² + ax + ab। यहाँ से हम लोग का ये और ये कट जाएगा, x² जब इस तरफ जाएगा तो x² आपको दिखेगा ab,
एक्स हम लोग को निकल कर आ जाएगा कितना, रूट ए बी। तो इसको ध्यान रखना है। और ये कैसे आता है इसको लोग निकल कर देख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, काफ़ी आसान है। आइए देखिएगा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का है, दो नल ए तथा बी मिल करके एक टंकी को उतने ही समय में भर देता है जितने समय में सी अकेला भरता है। आगे हम लोगों के पास है, नल बी इस टंकी को भरने में ए से 5 घंटा कम समय लेता है तथा सी से 4 घंटा ज़्यादा लेता है। तो बी का जो समय है वो डिपेंड है ए और सी पे। हम लोगों को आगे क्या है इस क्वेश्चन निकालना, ए इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। हम लोगों को है क्वेश्चन में ए और बी उतना ही समय लेता है जितना समय लेता है सी, और सी को ही हम लोग मान लेते हैं एक्स। अब हम लोग का रिलेशन देखिएगा कैसे है। तो हम लोगों का जो रिलेशन है वो है डिपेंड बी का, बी का समय जो है टंकी को भरने में ए से 5 घंटा कम लेता है, और बी का जो समय है सी से 4 घंटा ज़्यादा है। तो अगर ये एक्स है तो इससे बी 4 घंटा ज़्यादा, एक्स प्लस 4, बी का समय सी से 4 घंटा अधिक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी इस टंकी को ए से 5 घंटा कम समय में भरता है। इसको अगर बी को अगर इससे 5 घंटा कम समय लगता है, बी को ए से अगर 5 घंटा समय कम लगता है तो इससे इसको 5 घंटा ज़्यादा लगेगा। और यहाँ से जैसे 5 जोड़िएगा तो आपको x प्लस 9 आएगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती ये होता है कि हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है b का समय a से 5 घंटा कम है, इससे अगर ये 5 कम है तो उल्टा देखेगा तो इससे ये 5 ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम लोग 5 जोड़ दिए। अब देखिए दोनों मिल करके हम लोग का है कितना, इस क्वेश्चन में दोनों मिल के हम लोग का कितना है c के बराबर हो, इसको कितना माने हैं x माने हैं। a का समय देखिए तो आपके पास कितना आ गया है, तो a का समय आ गया आपको x प्लस 9, और b का समय कितना आ गया है x प्लस 4। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग इस x को निकाल सकते हैं, रूट अंडर 9 गुना 4, तो ये हम लोगों का 3 दुनी 6। तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। अगर आप लोग आपको a निकालना है तो यहाँ 6 रख दीजिए, 15 आ जाएगा। अगर b निकालना है 6 4 10 आ जाएगा। तो देखिए तो इस क्वेश्चन हम लोग को किसका पूछा गया है, कौन सा समय हम लोगों को पूछा गया है इस क्वेश्चन में, a का टाइम पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा हम लोग का, 15 घंटा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो 20 नंबर क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले देखे हैं। आई क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, दो पाइप है जो टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट भर सकता है, जबकि एक निकासी पाइप है जो 1 मिनट में 3 गैलन पानी खाली कर सकता है। तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो 15 मिनट में भर जाता है। हम लोगों को निकालना है इस टंकी का धारिता। देखिए इस टंकी का धारिता हम लोग का तब निकलेगा जब ये निकल जाए कि खाली करने वाला उसको टोटल कितना समय लेता है, कितना मिनट लेता है खाली करने में। और हम लोग को दिया हुआ है खाली करने वाला का 1 मिनट में कितना गैलन है, 3 गैलन। तो जो समय निकलेगा उसको हम गुना कर देंगे 3 से, तो हम लोग को निकल जाएगा उस टंकी का धारिता। आई क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, पहला जो है 20 मिनट में, दूसरा 24 मिनट भरता है, और तीनों मिल के ये भर देता है 15 मिनट में। 20, 24 और 15 का एलसीएम आएगा 120 टोटल वर्क। 20 में हम लोग क्या गुना करें, 120 हो जाए तो ये आपको आ जाएगा 6, 24 में 5 से गुना करना पड़ेगा, और 15 हम लोग को गुना करना पड़ेगा 8 से। तो अगर हम लोगों को यहाँ से देखा जाए तो ए बी सी तीनों मिलकर के कितना है, 8 है, जिसमें ए और बी हम लोग का कितना है, 6 और 5। अगर सी निकालना चाहेंगे
तो सी का जो इफिशियंसी होगा ए प्लस बी प्लस सी आठ में घटाना होगा ए और बी को जोड़ के। तो यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा माइनस तीन, किसका, सी का। अब सी को टोटल 120 काम करने में, खाली करने में कितना समय लगेगा, अगर वो एक मिनट में तीन खाली करता है, माइनस का साइन अगर है तो इसका मतलब खाली कर रहा है। तो ये निकल का आ जाएगा हम लोगों को 40 मिनट, किसका, जो खाली करने वाला पाइप है वो कितने समय में खाली कर देगा, 40 मिनट में। और उसका दिया हुआ है कि एक मिनट में ये कितना, 3 गैलन। तो अगर 40 मिनट तक चला है खाली करने वाला, तो उस टंकी में टोटल जो पानी होगा उसका जो धारिता होगा वो कितना होगा, 120 गैलन। ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है 21 नंबर क्वेश्चन है, ये बारी बारी पर आधारित है और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग टाइम एंड वर्क में काफ़ी क्वेश्चन देखे और बहुत अच्छे से इसको हम लोग क्लियर भी किए थे। आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोग का है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 और 4 घंटा में भर सकता है। अब उनको क्या किया गया है, दोनों नल को उस टंकी में बारी बारी खोला गया है और आरंभ किससे करता है, ए से। हम लोगों को पूछा गया कि इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आइए देखते हैं, पहला जो है ए जो है 6 घंटा में और बी सी को 4 घंटा में करता है। तो हम लोगों का ए का जो है 6 और बी का अगर 4 है तो ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 6 और 4 का 12 आएगा। ये आपका क्या हो, टोटल वर्क। देखिए 6 में क्या गुना करें 12 हो जाए, ये 2 निकल का जाएगा, और 4 में क्या गुना करें 12 करने के लिए तो ये 3 निकल का आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखिएगा, पहले ए शुरू किया है फिर बी करता है, 1 घंटा ए 1 घंटा बी, 1 घंटा में ए करेगा 2 काम और बी करेगा 3 काम। तो यहाँ पर हम लोग का 2 घंटे का जो काम होगा कितना, 5। हम लोग क्या देखे थे टाइम एंड वर्क में, कि 5 का मल्टीपल और 12 से पहले 10 आएगा, तो 10 करने के लिए इसको 2 से गुना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 घंटा में जो काम हम लोग का हो गया कितना, 10 वर्क हो गया। 12 काम में अगर हम लोग का 10 हो गया तो बचा हुआ है कितना, 2, और ये 2 किसके पास जाएगा, ए के पास, और ये करता है कितना, 2 ही करता है, कितने घंटे में, 1 घंटा में। तो अगले बार जब जाएगा ए के पास ये 1 घंटा लेगा और 1 घंटा में ये 2 काम कर लेगा। तो हम लोग का ये टोटल वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा 5 घंटा में। आइए चलिए देखिए किस ऑप्शन हम लोग का टाइम है, 5 आवर 5 घंटा। आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बारी बारी से अगर करता है तो जो शुरू करेगा जैसे टर्म पूरा होगा, ए किया बी किया फिर उसके बाद ए के पास आएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, 12 बाल्टी एक टंकी को पूरा भर देता है और उस बाल्टी का जो है, एक बाल्टी का जो धारिता है वो कितना है, 13.5 है। 9 लीटर धारिता वाला अगर बाल्टी से भरा जाएगा तो उस टंकी को भरने में कितना बाल्टी पानी चाहिए, ये हम लोग को निकालना है। देखिए हम लोग का अगर बाल्टी का धारिता ज़्यादा होगा तो पानी हम लोग का कम चाहिए, और अगर छोटा बाल्टी से अगर पानी डाल रहे हैं किसी टंकी में तो आपको ज़्यादा बार डालना होगा। तो इसका देखिएगा धारिता जो हम लोग का है, क्वेश्चन हम लोग का है ये 22, पहले का जो धारिता है ये है 13.5, नया वाला जो है धारिता वो है कितना, 9, वॉल्यूम इसका आयतन। इस दोनों का देखिए तो अनुपात क्या आएगा, ये हम लोगों का कट जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट चाहे तो डाल दीजिए, आप पॉइंट हटा के भी काम कर सकते हैं, उसके बाद आप पॉइंट को हटा दीजिए, दोनों पॉइंट को 45 से ये हम लोग का कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 3 बार में। तो आयतन का जो अनुपात हम लोग का रहा है 3:2, जबकि उसके संख्या का जो अनुपात होगा वो विलोम होगा, उल्टा होगा, जिसका आयतन ज़्यादा होगा कम बार और जिसका
आयतन कम होगा, उस बाल्टी से ज़्यादा बार पानी देना होगा। अब देखिए इस दो का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ कितना, 12 बाल्टी, तो दो का वैल्यू अगर 12 है तो तीन का वैल्यू हो जाएगा कितना, 18। देखिए किस ऑप्शन में है, हम लोग क्या किए, सबसे पहले उसके धारिता का अनुपात ले लिए, 3:2 आया, और धारिता का अनुपात और संख्या जो है उसके बाल्टी का आपस में विलोम अनुपात होगा। तो अगर 3:2 अगर बाल्टी का धारिता का अनुपात है तो उसको भरने के लिए, टंकी को भरने के लिए हम लोगों को संख्या जो होगा वो उल्टा होगा, 2:3 होगा। और दो का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है कि 12 बाल्टी, इसका निकालना था, तो हम लोग का देखिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, काफ़ी आसान था। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 23। बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता की 3 गुनी है, जिसका धारिता ज़्यादा है उसका क्षमता ज़्यादा होगा और जिसका धारिता कम होगा उसका क्षमता कम होगा। आगे हम लोगों का है क्वेश्चन में, एक खाली टंकी को भरने में पी को जो है उसको 60 फेरा लगता है, मतलब 60 बार में वो भरता है। अगर दोनों बाल्टी को एक साथ ले जाया जाए तो उसको भरने में कितने बार कितना फेरा हम लोग को लगेगा, ये निकालना है। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23 है। देखिएगा हम लोगों का पी का धारिता बाल्टी क्यू की धारिता का 3 गुना है, अगर ये 1 है तो ये 3 है, और जो धारिता का अनुपात होगा वही क्षमता का होगा। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है, पी को लगता है 60 फेरा और दोनों अगर काम करेगा तो कितना लगेगा, इसको एन मान लेते हैं। आइए पी का वैल्यू देखिए, यहाँ रखिए आप, ये हम लोग को 180 3 रखेंगे, और यहाँ पर जैसे हम लोग रखेंगे 3×4, ये कट के हम लोग का कितना आएगा, 45 फेरा, 45 बार हम लोग को है ना लगेगा उसको भरने में, अगर दोनों एक साथ काम करेगा। काफ़ी आसान था ये भी क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, ये आपका आर एस अग्रवाल का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, 3 नल ABC एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, ए सदैव खुला रहता है, ए हमेशा खुला हुआ है, जबकि बी और सी जो है एक एक घंटा पे बारी बारी से खुलता है, टंकी को भरने में टोटल समय कितना लगेगा। ये भी क्वेश्चन हम लोग का बारी बारी पर आधारित है। यहाँ पर देखिएगा ए हमेशा खुला हुआ है, ए का साथ देने के लिए एक बार बी आता है एक बार सी आता है, बी और सी जो है वो बारी बारी से आता है। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग का है ए 12 घंटा में, बी 15 घंटा में, और सी उसी को भरता है 20 घंटा में। तो 12, 15 और 20 का हम लोग का जेलसीएम आएगा 60 आएगा, यही आपका टोटल वर्क होगा। 12 में हम लोग को 5 गुना करना होगा तो एक का क्षमता निकल गया 5, 15 में 4 से और इसमें 3 से, तो ये क्षमता निकल गया ए बी और सी का। अब देखिए हम लोग का इस तरफ जो है ये क्या है, ये सदैव खुला हुआ है, बी और सी बारी बारी से आता है, तो हम लोगों का 1+1 दो घंटे का जो काम होगा वो कितना होगा, ए के साथ एक बार बी आया है और ए के साथ एक बार सी आया है, ये हमेशा खुला हुआ है, ये हमेशा काम कर रहा है, और जब बी रहता है तो सी नहीं रहता है और जब सी रहता है तो बी नहीं रहता है। इसका ये मतलब है कि बी और सी अगर बारी बारी से आ रहा है तो पहले बी आया है फिर उसके बाद सी आया है, फिर उसके बाद हम लोग का कौन आएगा, सी के बाद बी आएगा, जबकि ए हमेशा हम लोग का जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कंटिन्यू है। तो ये देखिएगा यहाँ पे हम लोग जो है ए का जो क्षमता देख रहे हैं वो कितना है, 5 है और ये 4 है, तो 5×4 ये हम लोग का हो गया 9। यहाँ से देखिएगा ए का क्षमता हम लोग का है 5 और सी का है 3, तो यहाँ से 5×3 ये हो गया 8, तो दो घंटे का जो हम लोग का काम है 9×8 कितना 17 वर्क हो रहा है अगर दो घंटा में देखा जाए। तो यहाँ देखिएगा हम लोगों का 60 से पहले 17 का मल्टीपल हम लोग का 3 बार में 6 घंटा हम लोग का टोटल काम हो जाएगा कितना, 17×51 काम अभी भी कितना बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है, और 9 अगर बचा हुआ है तो सबसे पहले किस ग्रुप के पास जाएगा, ए बी के पास जाएगा, और ए और बी दोनों मिल करके 1 घंटा में कितना काम करेगा, 9। तो अगला 1 घंटा में हम लोग का 9 काम अगर और हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये काम 7 घंटा में कंप्लीट हो गया,
है ना, टोटल जोड़ करके कितना 60। 30 क्वेश्चन का हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7 घंटा, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।